हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम ठीक ठाक। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। सुबह जहां से ट्यूशन छोड़े थे, सुबह 8 to 9 हमारी क्लास हुई थी। जहां पर ट्यूशन छोड़े थे उसके बाद के हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ से शुरुआत करें, यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो चुके थे, अब हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो कोशिश करना सभी लोग समझने की। आसान क्वेश्चन हैं, बिल्कुल आसान। और अगली क्लास में, अगली जो क्लास कब होगी स्पेशल क्लास, वो मैं अभी बता देता हूँ थोड़ी देर में। उसके बारे में भी हम लोग बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आप लोगों को ये चीजें पता होंगी कि ये हमारी स्पेशल क्लास है। और हमारी स्पेशल क्लास होती है इवनिंग में 4 to 5, लेकिन डेली नहीं होती, कभी कभार होती है। अगली जो क्लास होगी अब अपनी, वो होगी 2 अप्रैल को और 3 अप्रैल को। दो क्लास तो है, उस दिन जब क्लास होगी अगली स्पेशल क्लास, तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। 2 और 3 को तो क्लासेज है ही, और उसके बाद कब क्लास होगी स्पेशल क्लास, मैं आप लोगों को बता दूंगा। इन स्पेशल क्लासेस में मैं आप लोगों को ज्योमेट्री के अभी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आज की क्लास में अब हम लोग आसान क्वेश्चंस लेंगे, और 2 अप्रैल को जो क्लास होगी इवनिंग में, 2 अप्रैल को और 3 अप्रैल को, उसमें हम लोग थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। टाइमिंग यही रहेगा 4 to 5, टाइमिंग जो है स्पेशल क्लास का यही रहेगा। अभी 4 to 5 ही टाइमिंग रहेगा स्पेशल क्लास का, ठीक है? यहाँ पर हम लोग आसान क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि आपकी थ्योरी क्लियर हो, और उसके बाद मैं आप लोगों को अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा डेली। जैसा आप लोग, कुछ लोग तो पढ़ रहे हैं और बाकी लोगों को मैं बता देता हूँ, 6 to 7:30 तक डेली मैं पढ़ाता हूँ अनअकेडमी प्लस पर। यहाँ पर अपनी जो क्लास होती है वो 1.5 आवर की डेली क्लास होती है। कोई भी स्टूडेंट अगर यहाँ ज्वाइन करना चाहे, जो अपनी क्लास है वो 10+2 के लिए, जिसको CHSL आप लोग बोलते हो कभी कभार, या 10+2, वो बात एक ही है। CGL प्री और CGL मेंस लेवल का मैं इसमें सिलेबस करवाता हूँ। स्पेशल मैथ्स का बैच होता है ये 2020 तक। अब की बार मुझे लगता है कि ये जो अभी 2019 का मेंस का बैच है, ये 31, ये जो बैच है मेरा कंप्लीट होगा 31 अगस्त को, और ये इसके बाद ही होगा, आगे जाएगा। तो ये 2000 जो अपने पास 19 का मेंस है उसके लिए भी फ्रूटफुल होगा, जो बैच आप लोग ले सकते हो अगर मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो। CDS के लिए भी आप लोग देख सकते हो, रेलवे के लिए भी, जितनी भी एग्जाम्स हैं उनके लिए बैच आपके लिए ठीक रहेगा। और इस पर अगर कोई स्टूडेंट आता है तो एक नाम याद रखना, मेरा नाम पवन, ये आप लोग ध्यान रखना, ताकि आपकी फीस थोड़ी बहुत कम हो जाए, ठीक है? तो ये 31 तक बैच है जो प्री से लेकर मेंस तक है। अक्सर पूरा कैट, मतलब पूरा कैट वो नहीं होता, कैट की चीजें कवर हो जाती हैं इसमें, लेकिन आप सोचो कि मैं सिर्फ कैट इसमें पढ़ा रहा हूं, वो नहीं हो पाता, चीजें कवर हो जाएंगी। यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं, पढ़ने की शुरुआत हम लोग करते हैं, ABCD। अब हम लोग बातें नहीं करेंगे, बातें लास्ट में करेंगे, बातें वापस लास्ट में हम लोग करेंगे। लास्ट के 1 मिनट या 2 मिनट वापस आप लोगों को हम लोग बातें कर लेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान हम लोग देंगे। पीस द पॉइंट ऑन साइड ए बी शोन इन द फिगर
if dp equals to 13 d से p तक, ये हम लोगों को दिया हुआ है 13, इसने खुद ने कहा है ये जो लेंथ है ये अपने पास 13 है, समझ लेना आप लोग, ये 13 है, cp बराबर 10 है, c से p तक ये हमें दिया हुआ है 10 और bp equals to 6 ये हमें दिया हुआ है 6, bp 6 है और ap की लेंथ ठीक है हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। मुझे आप लोग बताइए 10 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या 8 आएगा क्या? और रेक्टेंगल अगर है तो ये अगर 8 है तो अपोजिट साइड बराबर होती हैं, ये अगर 8 है तो ये भी अपने पास 8 होगा, 8 होगा। हाँ एकदम आसान क्वेश्चन है, और ये अपने पास क्या 169 में से 64 माइनस करोगे तो क्या रूट 105 आंसर आ जाएगा क्या? ये मेन्स के ही क्वेश्चन है, 17 मेन्स के क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन 17 मेंस के हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसके और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस ले लेंगे लेकिन वो 2 अप्रैल को, ये बिल्कुल ठीक है। अगला पढ़ो, ये देखो सारे के सारे क्वेश्चंस अभी जो मैं करवाऊंगा ना सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं। 44 तो सुबह वाली क्लास देख लीजिए, उसमें मैंने समझा दिया आपको। वो भी सतीश 2 अप्रैल से जो मैं पढ़ाऊंगा 4 बजे, उसमें उसके बाद वाले करवा दूंगा 4 to 5। याग्निक चल रही है ना, चल रही है इवनिंग में 6 to 7:30 स्पेशल मैथ्स का बैच है जिसमें मेंस लेवल आपका कवर हो जाएगा, मेंस की चीजें कवर हो जाएंगे, मतलब उससे बाहर मेंस में भी नहीं आएगा जो आप लोग ले सकते हैं। पर्टिकुलर मेंस के बैच में क्या होता है, 3 टाइप के बैच होते हैं, लास्ट में मैं बताता हूँ। देखो बैच होते हैं 3 टाइप के, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, मैथ्स के जो बैच कहीं भी चलते हैं वो 3 टाइप के बैचेज होते हैं, लेकिन इसकी बात हम लोग करेंगे लास्ट में, मैं बताता हूँ ये बैच कौन कौन सा किस टाइप से होता है, किसको कौन सी तैयारी करे तो कौन सा बैच लेना चाहिए, उसके लास्ट में 5 मिनट में हम लोग बातें कर लेंगे, लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं, अभी पढ़ाई करते हैं सिर्फ। n-2 प्रत्येक एंगल निकालने का फॉर्मूला, n-2 × 180 कहाँ मिलेगी वीडियो वो भी मैं बता देता हूँ। क्या अपने पास यही होता है क्या, एक इंटीरियर एंगल अगर निकालना है तो, एक इंटीरियर एंगल अगर निकालना है तो फॉर्मूला ये होता है, एक एबीसीडी एक स्क्वायर है, स्क्वायर का ईच एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, फिर ये अपने पास पंचभुज है तो अपने पास पंचभुज का प्रत्येक एंगल क्या 108 होता है क्या, इस वॉल्यूम यहाँ पुट करोगे एन का मान 5 तो अपने पास ये आ जाएगा, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। अब मुझे बताइए अगर आपके पास एक पॉइंट है, पॉइंट पर बना एंगल टोटल 360 डिग्री होता है, पॉइंट पर बना एंगल टोटल 360 डिग्री होता है, तो ये वाला जो एंगल होगा अपने पास, ये वाला एंगल क्या अपने पास 102 डिग्री होगा क्या, 3 को जोड़कर 160 में से घटा दो। चलो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, पहले क्वेश्चन आप लोग खुद करने की कोशिश किया करो फिर मैं समझाता हूँ, ऐसे ही चलते रहेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन आपसे खुद से ही होना शुरू हो जाएंगे। अगर एक बार इनको आप लोग कर लोगे तो धीरे धीरे क्वेश्चन आपसे खुद से चलने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ आप लोग पहले मैं 2-3 मिनट बातें कर लेता हूं और लास्ट के 2-3 मिनट हम लोग बातें कर लेते हैं, उसके बीच सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें अगर आप लोग करोगे तो हम लोग ज्यादा चीजें पढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर बातें शुरू हो जाएंगी। देखो ये साइड परपेंडिकुलर, मैं समझा देता हूं, अब इतना ही टाइम है आपके पास, आपको मैं इतना ही टाइम दूंगा हर सभी क्वेश्चन करने के लिए, तो आप लोग कोशिश कीजिए। जैसा मैंने आपको बता दिया जो भी अपने पास बैचेज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, 3 टाइप के कौन कौन से बैच, किसकी आप तैयारी कर रहे हो तो क्या ज्वाइन करना चाहिए उसके हम लोग लेकिन लास्ट में बात करेंगे, पहले आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़िए। ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मुझे बताइए साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं क्या उसको हम लोग साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बिल्कुल ठीक, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं क्या उसको हम लोग सर्कम सेंटर बोलते हैं क्या? वैसे नाम ओ दे दिया तो ओ अच्छी बात है लेकिन बोलते तो सर्कम सेंटर ही है। क्यू पी आर बराबर अपने पास क्यू पी आर 65 दिया हुआ है हमें, ये एंगल ए बी सी नहीं है ये पी क्यू आर है, पी है ये
सही कर लेते हैं, ये P है, ये Q है और ये R है और ये X, Y और Z, ठीक है। अब देखना आप लोग, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। Q P R, एंगल R ये जो है ये तो दिया हुआ है 65 और एंगल Q जो दिया हुआ है P Q R ये दिया हुआ है 60। तो मुझे आप लोग ये बताइए कि ये वाला एंगल अगर निकालना पड़े, मान लो वैसे हो सकता है जरूरत पड़े ही नहीं, तो क्या ये वाला एंगल अपने पास 55 होगा क्या? अब हम लोगों को क्यू ओ आर पूछा है, क्यू ओ आर, तो मुझे बताइए वैसे आप लोग निकाल सकते हो क्या सर्कम सेंटर पर बना एंगल ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी आपको पता है क्या? तो ये ठीक है। और पी ओ आर पूछा आपसे, पी ओ आर पूछा है, तो क्या अपने पास 120 होगा क्या? तो आप लोग ये तो आसानी से निकाल सकते हो, कुछ लोगों से क्यों नहीं बना मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हो, ये अपने पास 120, ठीक है। तो टोटल एंगल हम लोगों से पूछा है तो आंसर आ गया 250, ये अपना आंसर है। जो भी क्वेश्चन आया उसको पहले खुद पढ़कर करने की कोशिश किया करो। सर्कम सेंटर पर बना एंगल ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी होता है। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, पहले खुद करो फिर मैं समझाता हूँ, पहले खुद करो फिर मैं समझाता हूँ, ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे तो फिर चीजें आप लोगों के खुद के भी समझ में आने शुरू हो जाएंगे। वो गौरव वो तो तब होता है आपके चीजें मिक्स हो गई हैं। ऊपर जिसने क्वेश्चन पूछा तो मैं बता देता हूँ, एक इन सेंटर पर बना जो एंगल होता है ना वो होता है जहाँ एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, कोण समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं वहां पर बना एंगल होता है 90 प्लस हाफ ऑफ ए। ये चीजें मिक्स मत करो आप लोग, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। अच्छे से देखो कि कहाँ क्या होता है, वो एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिले उसको बोलते हैं हम लोग। तो देखो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, ऐसे ध्यान रखना क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, ध्यान रखना क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस आप लोग थोड़ा सा जल्दी किया करो। और जो टफ क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस के लिए होते हैं, आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए। मेंस में सारे के सारे टफ क्वेश्चंस नहीं आते। पी क्यू और आर, पी क्यू की लेंथ दी हुई है 10, ये हमें दिया हुआ है 10, पी आर की लेंथ दी हुई है 26, तो क्या ये अपने पास, सबसे पहले तो मुझे बताओ 24 होगा क्या? ये अपने पास कितना होगा 24। अंतर्वृत्त की अंतर त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। अब मुझे बताइए, कल ही आपको बताया होगा ये चीज मैंने सिखाई या आपको पहले से भी पता होगा खुद को ही, इसके अंदर की तरफ अगर कोई भी हम लोग सर्किल बना दें तो मुझे बताओ उसकी रेडियस का फॉर्मूला क्या एक बार लिखवाया था कि ए प्लस बी माइनस सी बाई टू। तो 10 प्लस 24 ये 34 हो जाएगा, माइनस 26 8, और 8 को डिवाइड करोगे अगर आप लोग 2 से तो क्या आपका आंसर 4 ही है क्या? ये आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। हाना बोलिए क्या आप लोग समझ तो पा रहे हैं क्या? चलो ये तो आप लोगों को आना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। अब इसमें देखो मैं समझाता हूं आपको, कोशिश करता हूं मतलब समझाने की, ठीक है ना, हो तो गया फिर भी थोड़ा सा सीख लो। अरे वो तो ट्रिपलेट है ना प्रशांत, वो तो ट्रिपलेट है, 26 के स्क्वायर 676, 10 का स्क्वायर 100, तो ये 576 जो कि अपने पास रूट करोगे तो 24 का स्क्वायर, ये तो ट्रिपलेट है ना। देखिए एक बात आप लोग ध्यान दो, यहाँ सीखो, बहुत सारे लोगों को तो ये चीज पता है लेकिन फिर भी आप एक चीज सीखना ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। ये अपने पास एंगल जो होगा यहाँ पर, ये वाला एंगल होगा 75 क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, समझ लो ये स्ट्रेट लाइन है, आपका आंसर आ गया। लेकिन एक चीज आप लोग समझने की कोशिश करना, ये अपने पास है 75, देखना तो 75 के सामने तो ये PX है और बड़े वाले में 75 के सामने PR है, ठीक है भाई। इसमें कॉमन के सामने, ये वाला एंगल कॉमन होने के कारण बराबर, सिमिलरिटी लिख रहा हूं मैं, समरूपता कैसे लिखते हैं, ये अपने पास इसके सामने एक्स वाई है और बड़े वाले में कॉमन के सामने क्यू आर है। इसमें जो तीसरा एंगल बचा, ये जो तीसरा एंगल थर्ड एंगल बच गया
तो वो अपने पास 60 डिग्री होगा, वैसे देखने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये 60 है तो ये 60 ही होगा। तो ये तो बच गया इसमें py और बड़े वाले में 60 के सामने बच गया pq। एक बार ध्यान देना आप लोग, कोशिश करना सीखने की। ये हम लोगों को दिया हुआ है qr अपॉन उल्टा दिया हुआ, ध्यान रखना। तो यहां पर इसको तो लिख देंगे 9/14। हमें pq की लेंथ पूछी है, सेकंड और थर्ड काम में लेंगे। इसकी लेंथ हम लोगों से पूछी है, PQ की लेंथ पूछी है और ये दिया हुआ है 18। तो मुझे बताइए 9 से कट गया दो बार, तो क्या PQ की लेंथ 28 आ गया क्या? चल रहा है ना गुरु, गुरु सिंह बैच चल रहा है। मैं अभी लास्ट में बताऊंगा आपको, लास्ट में करेंगे वापस में बता दूंगा, लेकिन आप उससे पहले देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं उस चीज को समझिए एक बार। रवि यार आप तो पुराने स्टूडेंट हो, आपको तो समझ में आना चाहिए ये। आपको तो कम से कम 10,000 बार बता चुका हूँ ये क्वेश्चन, इस टाइप का सेम क्वेश्चन भी करवाया है, दो दो क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। आप ऐसी बातें करोगे तो दिल टूट जाएगा मेरा, बाकी कोई करे कोई बात नहीं लेकिन आप तो दिल तोड़ दोगे। ये मुझे बताइए 75 है ये वाला एंगल, 75 है ये वाला एंगल भी 75 है, तो मुझे बताइए। और ये कॉमन होने के कारण बराबर, तो क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो गए क्या? दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ठीक है ना, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और सिमिलर हो गए तो फिर साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी, समान अनुपात में होंगी, रेशियो अपने पास सेम रहेगा, ठीक है ना, वो उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो उसके बाद ये सिमिलैरिटी हम लोगों ने लगाई है, समरूपता लगाई है हम लोगों ने, भुजाएं समान अनुपात में होंगी। ये चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, आपकी थ्योरी क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। एक चीज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, एक चीज मैं ये सिखाना चाहता हूँ, हमेशा आप लोग याद रखना, क्या ध्यान रखना, एक चीज सभी लोग सीखो, अगर कभी भी अपने पास ऐसे दिया हुआ मिलेगा जैसे ये दिया हुआ है, ये वाला एंगल 75 है, ये वाला एंगल 75 है और इसने कहा कि ये वाला एंगल 105 है, ठीक है ना। थोड़ी सी एक बात समझिए आप लोग, और ये नाम दिए PQR और XY, PQR और XY, एक सिमिलरिटी से क्वेश्चन होता ही है। दूसरा एक चीज आप लोग सभी लोग याद रखना, सिमिलरिटी से तो होता है लेकिन क्या अपोजिट एंगल्स का सम 180 दिखाई दे रहा है क्या आपको? अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री अगर दिखाई दे रहा है तो क्या अपने पास यहां से ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, तो क्या हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं? इस चीज को समझ लो, क्योंकि कभी कभार तो टीचर ये पॉइंट लगाता है और कभी कभार नहीं लगाता, और बच्चों को तो इतना ही, इतने में ही उनको लगता है कि ये क्या हो गया, कि कभी तो सर ये फॉर्मूला लगा देते हैं और कभी नहीं लगाते। तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए चीजें मैं बता रहा हूं। देखो मान लो यहां से हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, ये लो, है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, जो बिल्कुल ठीक बोला आपने। अब मुझे बताओ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर है, ठीक है ना, तो क्या हम लोग PX into PQ बराबर PY into PR लिख सकते हैं क्या? PX into PQ बराबर क्या ये लिखा जा सकता है क्या? अगर ये सर्किल है, कोई भी सर्किल अगर हो उसके बाहर से PA into PB, आपको पता होगा ये चीज, तो सर्किल में पढ़ के आए हम लोग A, B, C और D, ये पॉइंट P है, तो मुझे बताओ PA into PB बराबर PC into PD आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान रखना, कभी भी देखो मैं एक पॉइंट ध्यान से समझाना, एकदम सही से समझाना चाहता हूं, नहीं तो आपको लगेगा कभी तो ये रूल लग जाता है और कभी नहीं लगता है, क्या हो रहा है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, ये साइड 10 है, ये साइड 5 है, ये साइड 8 है, तो बताओ ये साइड कितनी होगी। तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर, PX का मान है अपने पास 10 गुना P से Q तक जो होगा अपने पास वो कितना होगा 15, P से Y तक अपने पास 8 है और अगला है 8 plus X, P से Y तक 8 है और अगला अपने पास होगा 8 plus X, PR 8 गुना X मत लिख देना। तो ध्यान रखना, नहीं अंकित पूरा ही है हिंदी और इंग्लिश, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि आप लोग ध्यान रखना, जब ये दोनों साइड ध्यान दो, एक चीज जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो कमेंट करने के बजाय, जब ये दोनों साइड की बात करें तो फिर आप लोग इस तरीके से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाकर भी क्वेश्चन कर सकते हो या सिमिलरिटी से भी क्वेश्चन कर सकते हो, दोनों चीजें सेम ही रहेंगी, आप लोग ये बात ध्यान रखना।
लेकिन कभी भी अगर ये साइड आ जाए, जैसे ये साइड हमें दे ही नहीं, ये दोनों साइड दे दी और फिर कहे कि ये साइड दे दी पांच, इनके बारे में बात ही नहीं करे, ये साइड दे दी पांच और कहेगा कि बताओ ये साइड कितनी होगी, उस टाइम आप लोगों को सिमिलैरिटी ही लगानी पड़ेगी, समरूपता ही लगानी पड़ेगी, सिमिलैरिटी बेस्ड नहीं, सिमिलैरिटी ही लगानी पड़ेगी, ध्यान रखना आप लोग। तो क्वेश्चन में बात समझ में आई है क्या सभी को कि कब, तो हम लोग कभी कभार टीचर यहाँ साइक्लिक बना लेता है और कभी कभार बोलता है कि अब की बार साइक्लिक से नहीं होगा, तो साइक्लिक से कब नहीं होगा और कब होगा ये बात आप लोग याद रखना, ध्यान रखना और अगला क्वेश्चन करो आप लोग। नहीं भाई ऐसे नाम बोलने से नेटवर्क चला जाता है, ऐसे कोई नाम बोलते ना तो नेटवर्क चला जाता है। यहाँ गर्मी है जहाँ साहब, यहाँ गर्मी है। हाँ 5 बजे तक ही है, अच्छा गौरव, हाँ गौरव बोलो आपसे सुबह, गौरव से तो बात हुई थी ना कि सुबह सुबह गौरव से तो बात करेंगे ही नहीं, कॉल हो रहा है क्या? क्या टेबलेट लो गौरव, टेबलेट लो ठीक हो जाओगे। टेबलेट लो ठीक हो जाओगे, वो तो लेनी पड़ेगी। देखो ये इसकी हाइट है px, निजामुद्दीन वाले केस में क्या राय होगी, दौड़ना चाहिए पटक कर, यही राय है, गलती की उन्होंने, इस टाइम कैसे कर सकते हैं यार ऐसे काम, देश पर आफत आई भी है, ऐसे काम कैसे होने चाहिए, केस होना चाहिए उन पर। देखो ये अपने पास x है, ये अपने पास y है, और ये अपने पास z है, ठीक है ना। अब देखना आप लोग, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनना जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ इसमें, ये आया हुआ क्वेश्चन पहले भी है, ये O पर मिलते हैं, P से O तक 6 है, P से X तक 8 है तो ये 2 बचेगा, Q से O तक 4 है, Q से O तक 4 है, तो ये आप लोग मान लो Y, MPG नहीं मेरे भाई, मुझे आप लोग ये बताइए क्या आप लोगों को ये समझाया है क्या मैंने, जब भी आप लोगों को जहां पर देखो जहां पर एल्टीट्यूड्स पढ़ाया है, जब हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी एल्टीट्यूड शीर्ष लंब जहां पर पढ़ाया है, तो क्या 6 × 2 बराबर 4 × y बताया है क्या, तो y की जो लेंथ आ जाएगी यहां से वो 3 आ जाएगी, तो इसकी लेंथ अगर 3 है तो टोटल qy की जो लेंथ आएगी वो कितनी होगी अपने पास 7, 4 और 3 दोनों को ऐड कर देंगे, 4 इधर है 3 इधर है, qy पूछा है, आंसर कितना आ गया 7, ये सभी लोग आप लोग ध्यान रखना, ध्यान रखना ये थ्योरी ये होती है, जब भी जहां पर हाइट मिलती है, मैं फिर से बता देता हूं अगर आप लोग भूल गए हो तो, मैं ये बता रहा हूं PO इंटू OX, PO इंटू OX बराबर QO इंटू OY बराबर RO इंटू OZ, ये बराबर होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना, सिमिलैरिटीज है, ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है, तो दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते ही ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, और ये चीज सिमिलरिटी से अपने आप आ जाती है फिर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करता है, ठीक है।
वो तो उसमें होता है दोनों पर, इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। चलो पढ़ो और करने की कोशिश करो, इसमें थोड़ी सी आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, पढ़िए और करने की कोशिश करो, आपसे क्वेश्चन होना चाहिए। नहीं कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है भाई, कर सकते हो आप कोई सा भी। देखो ये इसमें तो अपने पास इस वाला, ये वाला जो क्वेश्चन होगा ऐसा, इसमें तो अपने पास ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। देखिए PQRS भुजाओं को स्पर्श करता है और वृत्त की त्रिज्या 9 है। अगर ये स्पर्श कर रहा है और ये देखिए दोनों एंगल बराबर हैं, 120 डिग्री PQR, ये भी 120 डिग्री है और ये भी 120 डिग्री है, तो मुझे आप लोग ये बताइए क्या अपने पास ये 60 डिग्री और 60 डिग्री होगा क्या? ये कितना होगा 60 और ये कितना होगा 60, ठीक है ना, 60 और 60। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए इसकी रेडियस अगर 9 है, ध्यान देना इसकी रेडियस अगर 9 है तो मुझे बताओ इसका डायमीटर कितना होगा। इसकी रेडियस अगर 9 है तो इसका जो डायमीटर, हाँ गिवन है, ठीक है गिवन है भाई, 60 और 60, ठीक है ना। तो मुझे आप लोग ये बताइए इसका डायमीटर क्या 18 होगा क्या, और डायमीटर अगर ये 18 है तो मुझे आप लोग ये बताओ यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो भी क्या 18 ही होगी क्या? ये डिस्टेंस जो होगी यहां से यहां तक वो भी क्या 18 होगी क्या? ये जो दूरी होगी वो अपने पास कितनी होगी, 18, ठीक है ना। हेलो जी, ठीक है थोड़ी देर बाद करना। देखिए 18 60 डिग्री, यहां पर मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, हम लोग थोड़ी सी अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाएं यहां पर तो 18 डिग्री 60 डिग्री के पास वाली साइड छोटी होती है बड़ी होती है, इसके बाद वाली साइड छोटी होती है बड़ी होती है, ये आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में समझ में आएगा। 18/√3 यानी 6√3, और कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली, ये 90 है 60 है 30, तो ये वाला जो होगा अपने पास ये होगा 12√3, ऐसे ये 12√3 होगा तो ये भी कितना होगा 12√3। ये ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया मैं फिर बता देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं थोड़ी सी, ये 18 है, ये 18 है अपने पास, तो यहां से ये वाला 60 डिग्री अगर है तो ये याद करना है अभी आपको, वो 18/√3 यानी 6√3 होगा। या आप लोग यहां पर चाहो तो आपके पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है और कर्ण आपको पूछा है तो साइन 60 लिख दो, अगर ये नहीं डायरेक्ट नहीं करना चाहो तो आप क्या कर लो साइन 60 लिख दो, साइन 60 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहां से के का मान डायरेक्ट निकाल लो जो 12√3 आएगा, ये भी 12√3 आया है, सेम इधर 12√3 आएगा, तो ये 24√3 होगा। और क्या ये रूल आप लोगों को याद है क्या, एक नियम आपको याद होगा, अपोजिट साइड्स का सम अपोजिट साइड्स के सम के बराबर होता है, कैसे आपको पता है क्या कि अपोजिट साइड्स का जो सम होता है वो अपोजिट साइड्स के सम के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए,
अभी तो संदीप कोरोना ही नहीं पता कहां तक आएगा, अपोजिट साइड का, ऐसे कोई क्वाड्रिलेटरल होता है ना, तो अपोजिट साइड्स का सम अपोजिट, ये मान लो ए है, ये थ्योरी होती है, फिर एक्स और वाई, तो ध्यान रखो ए प्लस बी बराबर होता है किसके, एक्स प्लस वाई के। तो ए प्लस बी अगर अपने पास 24√3 आ गया है तो ये दोनों भी फिर 24√3 होगा, और पेरीमीटर का मतलब चारों साइड्स का सम पूछा है फिर हमें, तो चारों साइड्स का सम पूछे तो दो से गुना कर देंगे, नहीं साइक्लिक में नहीं, टेंजेंटिकल, इसको संजीव हम लोग साइक्लिक नहीं बोल सकते, ये टेंजेंटिकल क्वाड्रिलेटरल होता है, स्पर्श रेखीय चतुर्भुज। अच्छा देखिए, रेडियस अपने पास 5 डीबी है, पी और पीबी दो स्पर्श रेखाएं हैं जो एक दूसरे को पैरेलल हैं। यहां पर हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं, देखिए आप लोग, ये अपने पास दोनों पैरेलल हैं, रेडियस 5 है और ए बी की लेंथ भी 5 दी हुई, ये भी 5 है, यहां से अगर मैं रेडियस मिला दूं इसको, ये भी 5 है, ये थोड़ा सा नजदीक दिया हुआ है बस, और डायग्राम तो ठीक है, और ये भी हम लोगों को दिया हुआ है 5, रेडियस भी 5 है, ये भी 5 है, तो क्या ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया क्या, 5, 5 और 5 से एक समबाहु त्रिभुज बन गया, और ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो मुझे बताओ ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, क्या आपने पास ये वाला एंगल, क्या मैं 60 डिग्री लिख सकता हूं क्या, यहां पर बना एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो क्या 60 डिग्री लिखा जा सकता है क्या। और देखिए ये जो लाइन है पीए, ये जो लाइन यहां से यहां तक पीए है, ये ओसी के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं, अगर ये दोनों पैरेलल हैं मुझे बताओ, ये दोनों पैरेलल हैं तो रेडियस और टेंजेंट की, जब भी दो लाइन पैरेलल हो तो क्या अपने पास ऐसे मिला दिया जाए तो क्या ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण बराबर होते हैं क्या, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण कितना डिग्री होगा, 90, दो लाइन पैरेलल हैं और रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, तो ये अगर 90 डिग्री है तो क्या इधर वाला ये भी 90 होगा क्या, तो ये अगर 90 डिग्री है तो मुझे बताइए क्या ये भी 90 होगा क्या, पूरा एंगल यहां पर ऑल्टरनेट एंगल से, ये बात तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। दूसरा यहां पर ये वाला जो एंगल हम लोगों को दिया हुआ है, पीबी जो है वो पैरेलल है सीडी के, ये पी से बी तक जो यहां से यहां तक जो लाइन है वो पैरेलल है सीडी के, तो मुझे आप लोग ये बताइए ये एंगल अपने पास, ये दोनों पैरेलल अगर हैं तो रेडियस और टेंजेंट के बीच ये अगर 90 है तो क्या ये भी 90 होगा क्या। अब आपके पास तीन एंगल आ गए हैं तो पॉइंट पर बना क्या चौथा एंगल आप लोग निकाल सकते हो क्या, तो क्या चौथा एंगल 120 डिग्री होगा क्या, एक एंगल आ गया 60 डिग्री, एक आ गया 90, एक आ गया 90, एक पॉइंट पर बने तीन एंगल अगर आपके पास है, 360 होता है उसमें से तीन अगर आपके पास है तो क्या चौथा आप लोग निकाल सकते हो क्या, अपने पास आंसर आ जाएगा। ये डायग्राम में फिर टाइम लगेगा अपने को, और इसमें तो आप समझ ही गए हो कि दोनों लाइन पैरेलल है। ये अपने पास ऐसे है कि ये अपने पास एक लाइन है जो इसके पैरेलल है, ये रेडियस, ये रेडियस और ये 5 और 5 है, ऐसे क्वेश्चन है 5, 5 और 5, 5 और 5 अगर है तो ये एंगल होगा 60 डिग्री, और इसने कहा कि ये दोनों पैरेलल हैं तो ये पैरेलल होने के कारण रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 होगा। ऐसे ही अपने पास यहां पर इसके एक पैरेलल लाइन और दी भी है ये, तो ऐसे ही इसी नियम से अगर ये 90 डिग्री है रेडियस और टेंजेंट के बीच तो ये भी 90 होगा, तीसरा एंगल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो अगला करो जो कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फिर तो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा वो, साइक्लिक मान लोगे तो हो सकता है प्रॉब्लम करे आपको, ये आसान क्वेश्चन है, कर लोगे कि इसको आप लोग।
KCX ये 35 है, तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये अगर 35 है तो क्या ये भी 35 होना है क्या ऑल्टरनेट सेगमेंट से? और ये 90 है ही, डायमीटर द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल 90 डिग्री, तो क्या आप लोग ट्राइंगल का तीसरा एंगल निकाल सकते हो क्या? अगला करो, कल अगली दो को, 2 तारीख को जो मेरी क्लास होगी शाम को 4 बजे, उसमें बिना डायग्राम वाले भी करवा दूंगा मैं, वो टफ क्वेश्चंस होंगे, उसमें एक एक क्वेश्चन में ही टाइम लगेगा। यहाँ पर अगर अपने पास कभी भी, हम लोग देखो ये आसान है, इसको अगर इससे ज्वाइन करते हैं तो मुझे बताओ, इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल 64 है, देखना इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल 64 है, तो सेम आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल, ये वाला जो एंगल होगा वो क्या अपने पास 32 ही होगा क्या? सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल आधा होता है क्या? ये तो याद है क्या, इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल 64 है, तो सेम आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल क्या अपने पास 32 आधा होगा? तो मुझे बताइए, व्यास द्वारा परिधि पर, अब की बार वाले क्वेश्चंस देखो ना तो कितने आसान आए हैं, वो तो 15 मिनट लगेंगे नहीं, 25 क्वेश्चन में आप 7-8 मिनट में ही कर लोगे, वो तो डिपेंड करेगा ना क्वेश्चन कौन सा आप एग्जाम दे रहे हो। और व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण होता है 90 डिग्री, 90 है 32 है, तो क्या ट्रायंगल का तीसरा एंगल आप लोग निकाल सकते हो क्या? ए अक्ष पी, वही हम लोगों से पूछा है, वही हम लोगों से पूछा है। दो इसमें एन क्यों लिख रहे हो सचिन आप? ये अपने पास व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री, और इस ट्रायंगल की अब मैं बात कर रहा हूं, ये 32 आपको समझ में आया होगा, ये समझ में नहीं आया 32 कहां से आया तो एक बार थ्योरी वापस देखो, इस ब्लैक वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। और दो एंगल आगे तीसरा हम लोगों ने निकाल लिया, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री, ये 32 आपको पता ही है कहां से आया। अगला करो, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखो कि समकोण त्रिभुज अगर है, इसमें थोड़ी सी अपने पास ट्रिग्नोमेट्री काम आती है, और वो रूट थ्री इधर उधर घुमाने वाली चीजें अगर आपको याद हैं तो चीजें आसानी से हो जाती हैं। बी ए सी, ए 90 डिग्री है, ए राइट एंगल है, ये बीच वाला एंगल जो होता है ना, बी ए सी 90 डिग्री ए पर है, बी ए सी ये राइट एंगल हमें दिया हुआ है 90 डिग्री, एंगल सी दिया हुआ 60 डिग्री, और ये है अपने पास 30 डिग्री। तो ध्यान रखना, ये वाली साइड अगर ए है, या ये वाली साइड अगर ए है, कोई किसी से शुरुआत कर लो, आंसर सभी से सेम आना है, तो ये होगा रूट थ्री ए, और कर्ण 30 डिग्री के सामने वाले साइड का डबल होता है, इनका रेशियो भी आपको पता होगा 1/3। अगर ये चीजें नहीं पता आपको तो ये रेशियो भी आपने याद कर रखा होगा 1/3 और 2। अरे वाह तनोज, अच्छा एबीसी इज द एंग, ये तो राइट एंगल होना चाहिए, ए सी बी 90 डिग्री, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल टू द साइड ए जी, ए जी तो इसमें तो सही है, उसको सही करो, इसको बी कर लो आप लोग, इसको बी कर लो, लास्ट में करते हैं हम लोग, अंकित करते हैं बात। तो ध्यान रखो, हमें हमारे पास, मुझे ये बताइए सरकम रेडियस जो होगी, सबसे पहले तो मुझे बताओ सरकम रेडियस क्या इसके आधी होती है क्या? सरकम रेडियस इसके आधी, तो सरकम रेडियस तो कितनी होगी 1, और ये कितना होगा रूट थ्री, आंसर कितना आ गया 1:√3, ये अपना आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा, हाइपोटेनस की हाफ होती है, बिल्कुल ठीक है भवन। चलो इसको करो,
देखिए अगर कभी भी आप लोगों को ये नाम आए ना मिनिमम, इसमें मिनिमम अगर नाम आए तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, आप डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल लिया करो, इसको उल्टा कर दिया करो। देखो मैं बताता हूँ क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये अगर कभी भी अपने पास हो, ठीक है ना, जिसकी साइड कुछ भी हो सकती है, 4 5 6 ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो यहां से आप यहां जाते हो, यहां गए और इसके बाद आप लोग यहां पर जाते हो, तो हमें करना क्या है कि इसको यहां से, आप लोग यहां गए ही नहीं, आप यहां से यहां आए हो, डायरेक्ट डिस्टेंस तब आएगी जब ये डायगोनल बन जाए, तो इसको आप लोग इधर बढ़ाया करो, इधर जितना 4 ये है इतना ही 4 इसको उल्टा इधर बढ़ा दो, ये लो यहां तक, ये 4 जो यहां था, ये वाला 4 उसको यहां ले जाने के बजाय यहां पर पीछे की तरफ खोल दो और यहां से इसको कट करके, तो डायरेक्ट डिस्टेंस ध्यान रखना, मिनिमम जो डिस्टेंस होगी वो अपने पास डायरेक्ट डिस्टेंस ऐसे आएगी। ठीक है, 4 है और ये भी कितना होगा, 4, और ये भी कितना होगा, स्क्वायर की साइड 4 है, तो यहां से हमने क्या किया, इधर वाले को यहां से काटा, और जब भी डायरेक्ट डिस्टेंस अगर आप लोगों को निकालनी है या फिर याद करना पड़े तो मैं याद भी करवा दूंगा, लेकिन आप लोग ऐसे कर दिया करो, ठीक है ना, ऐसे तो आप लोग याद कर सकते हो कि इसके मिड पॉइंट तक लिया करो और फिर इधर ऐड कर दिया करो मिड पॉइंट से, लेकिन याद करने के बजाय कॉन्सेप्ट आपका पता होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस तब आएगी जब ये इसका डायगोनल बनेगा, इतनी बात आप लोग ध्यान रखना, जब ये इसका विकर्ण बनेगा, डायगोनल बनना चाहिए ये, तो अपने पास 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16, तो क्या √80 का मतलब क्या 4√5 ही होगा क्या, तो ये अपना आंसर आ गया, क्या ये तो आता है ना आपको, ध्यान रखना, या अपने पास मिड पॉइंट तक ले लिया करो, ये भी मिड पॉइंट और ये भी मिड पॉइंट, तो पहले तो ये डिस्टेंस निकाल लिया करो मिनिमम दूरी के लिए और फिर ये निकाल लिया करो, दोनों को ऐड कर दिया करो तो भी आंसर आ जाएगा। ये अभी 6 बजे की क्लास में ये चीज मैं समझाऊंगा आपको, 6 बजे की क्लास में मैं आप लोगों को जो क्यूब पढ़ाऊंगा और क्यूब में ये चीज आप लोगों को बता दूंगा, क्यूब में ये वाली बात मैं समझाऊंगा। मुझे आप लोग ये बताइए क्या ये तो कर लोगे क्या, सारा रेशियो फिर सेम ही होता है, ये आप लोग कर पाओगे, इसको करो, नहीं कपिल अभी नहीं है, देखिए ध्यान देना आप लोग, मैं सिखाता हूं आपको, ये अपने पास 3 है और ये अपने पास 4 है सर, इनकी रेडियस का रेशियो 3 एंड 5 सॉरी 3 और 5, मैं यही बना रहा हूं, ये यहां से यहां तक, देखो ध्यान रखना अपने पास ये जो दिया हुआ है इसकी रेडियस अपने पास 3R है और इसकी रेडियस अपने पास जो भी आप लोग, या ऐसे मान लो AC की जो लेंथ 40 दी हुई है, तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी अगर आ जाए, ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं भी आ जाए तो अपने पास ये जो कोण होता है ये होता है 90 डिग्री, तो दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, क्या आपको पता है क्या, किसको पूछे आप बताओ रवि, दोनों कोण 90 डिग्री होते ही ट्रायंगल सिमिलर, रवि याद है ना आपको ये रवि कुमार माली, तो ये अपने पास 3/5 बराबर होगा, अपने पास 3/5 जो है वो बराबर होगा किसके, 3/5 बराबर होगा AB अपॉन AC, और AC की लेंथ दी हुई है 40, छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड का रेशियो,
छोटे वाले की साइड यहां से यहां तक ए बी मान लिया और अपॉन बड़े वाले की साइड मान लिया 40, तो मुझे आप लोग बताइए 5 से कट गया 8 बार, तो ए बी की लेंथ क्या 24 आ गई क्या? और ये अगर 24 है तो फिर मुझे बताओ बी सी की लेंथ क्या 16 आ गई क्या? बी सी की लेंथ 16 है, बी सी की लेंथ 16 है, मुझे आप लोग ये बताइए 16 कैसे आई है, तो समझ में आया ना? टोटल 40 था, ए सी अगर 40 था जहां पर ए बी अपने पास 24 है, तो बी सी की लेंथ तो समझ में आई ना कैसे आया 16, और 16 को 3:5 के रेशियो में डिवाइड करोगे, ये सोल्व करके ए बी का मान 24 और 40 में 24 माइनस 16, 16 को 3:5 का रेशियो है, 3:5 का रेशियो है, 3:5 के रेशियो में बांटोगे 16 को तो ये तो होगा 6 और ये कितना होगा 10। तो क्या अपने पास यहां से डायरेक्ट लेंथ रेडियस तो निकालनी पड़ेगी ना, तो मुझे बताइए डायरेक्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला क्या 2√R1R2 होता है क्या? 6 × 10 4√15 तो बाहर 2, 2√15 2 पहले से है तो 4√15 ये अपना आंसर आ जाएगा। रेडियस निकाल कर लगाते हैं, पहले रेडियस निकालनी है सुमंत मीना और फिर लगाते हैं, पहले रेडियस होनी चाहिए और फिर 2√R1R2 तो रेडियस तो होनी चाहिए ना आपके पास, तो वो तो 3 और 5 तो रेशियो है, फिक्स रेडियस थोड़े ना आपके पास। ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, 2√R1R2 करो इसको। अभी बता देता हूं, ये देखो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, इसको आप लोग ध्यान से समझना। इसका डायग्राम भी मैं वापस बना रहा हूं आपके लिए, एन और एम, ये अपने पास ए बी सी और डी, देखना कोशिश करना समझने की। अगली बैच जो होगा वो भी 4 बजे होगा, 2 तारीख को क्लास जो है वो 4 बजे ही है, ए बी 10 है ठीक है, एम एन का मान आप लोग बताइए, एम एन की लेंथ हम लोगों से पूछी गई है, देखना मुझे आप ये बताओ इसकी रेडियस मान लो कैपिटल आर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है अगर, थोड़ा सा ध्यान दो बस, और इसकी रेडियस स्मॉल आर अगर है ग्रीन वाले की, ये इस कैपिटल आर है ये स्मॉल आर है, रेडियस और टेंजेंट के बीच बना को 90 डिग्री, तो क्या अपने पास यहां पर जो लेंथ चाहिए हमें वो क्या आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की चाहिए क्या? हाँ ना बताओ, एम एन की जो लेंथ होगी, एम एन की जो लेंथ होगी वो क्या 2√R²-R² बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसा क्वेश्चन कुछ दिन पहले वापस रिपीट भी हुआ था, इस पर बेस्ड, मतलब सेम यही नहीं इस पर बेस्ड, तो इसको आप लोग सीख लीजिए। अब हमें सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग पर एक ही चीज आनी चाहिए कि हमें R²-R² चाहिए, हमें R²-R² की वैल्यू निकालनी है, इसकी जो यहां से यहां तक ये कैपिटल आर है, ये अपने पास कैपिटल आर है, ये लो जी, और यहां से देखो ए बी की लेंथ जो दी हुई है, यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा मैं, यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा, ये पॉइंट टी मान लो, परपेंडिकुलर हमेशा कोण के मिड पॉइंट पर आकर मिलता है, तो अपने पास ये जो लेंथ होगी यहां से यहां तक ये अपने पास होगी कितनी 15। हाँ ना बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो इस लेंथ को मान लो मैं एक्स मान लेता हूं एक बार, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225,
बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आपका थोड़ा सा दिमाग चलता है और थोड़े से कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो। दूसरा, इसकी जो रेडियस है यहां से यहां तक वो स्मॉल आर है, इसकी रेडियस ये जो है वो स्मॉल आर है, और ये जो लेंथ दी हुई है इसने, इसकी लेंथ देखो यहाँ पर सीडी 24 दिया हुआ है, ध्यान से देखो, सीडी अगर 24 दिया हुआ है तो मुझे बताओ यहां से यहां तक ये क्या 12 होगा क्या? तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में आर स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, अक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। लेकिन अपने पास वैल्यू किसकी चाहिए मुझे तो ये बताओ, आपके दिमाग में पहले से ही है कि अपने पास वैल्यू किसकी चाहिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की, तो माइनस कर दो, माइनस हो गया तो अपने पास कितना हुआ 81। लेकिन क्या उसका रूट लेना पड़ेगा क्या? तो रूट लोगे तो 9, और 2 से गुना करोगे तो आंसर कितना आ गया 18। जिसको नहीं समझ में वो एक बार इसको वापस देख लेना। अगला क्वेश्चन करो आप लोग। दो सौ पच्चीस नहीं है भाई कहीं भी 225। अच्छा ये 15 का स्क्वायर तो 225 ही होता है ना। एबी और एसी वृत्त की दो स्पर्शरेखाएं हैं जिनकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। अभी 2-3 तारीख को तो है ही, इसमें भी वही एबी और एसी थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी आपको। अभी बताता हूं, एबी और एसी यदि BAC बराबर 60 डिग्री हो अगर हो तो मुझे आप लोग ये बता दो, सभी लोग थोड़ा सा ये बता दो, क्या अपने पास ये जो यहां पर जाकर मिलेगा क्या एंगल बाइसेक्टर होता है क्या? ठीक है ना, और इसकी त्रिज्या ये अगर 6 है तो 30 के पास वाली साइड ये कितनी होगी? ये अगर 6 है तो मुझे बताओ इसकी जो लेंथ होगी 30 के पास वाली साइड क्या वो 6√3 होनी है क्या? तो इसका स्क्वायर और एसी भी इतना ही होगा, एसी भी इतना ही होगा, तो 2 × इसका ये लिख सकते हो आप लोग, ये अपने पास 6√36 × 3 अपने पास कितना होगा 108 216 हो गया, और 216 को क्या 6√6 लिख सकते हो क्या 36 × 6? ये क्या मैं आपको बता चुका हूं क्या कभी भी एंगल? तो इसका तो मान वैल्यू पुट किया हमने, एबी का भी मान रख दिया ये रहा, और इसका भी वैल्यू पुट कर दी ये रहा, ये तो हमने वैल्यू पुट किया मेरे भाई। मुझे बताओ ये 60 डिग्री अगर हो और ये अपने पास अगर आर हो तो क्या मैं आपको बता चुका हूं कि √3 आर होगा? नहीं लगाना भाई, क्वांटम कैट नहीं लगाना आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो, स्पीड घट जाएगी, सिलेक्शन होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 62, आसान क्वेश्चन एकदम। क्यू पी आर की वैल्यू 45 है, क्यू पी और आर मुझे आप लोग ये बताइए क्या हम लोग यहां पर रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण, ये 90 डिग्री, रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, और ये 45, तो ये पूरा जो एंगल होगा कंप्लीट एंगल, ये पूरा कंप्लीट एंगल क्या 135 होगा क्या? चतुर्भुज बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है अपने पास, ये क्वाड्रिलेटरल अगर बन रहा है ठीक है ना, ये देखो
ये इसकी रेडियस है, ये यहां पर, ये इसकी टेंजेंट एक और है ऐसे। याद रखना कभी भी अगर इसको आप इससे मिलाते हो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर इसको इससे ज्वाइन करते हैं, ये इसको इससे ज्वाइन करते हैं, तो ये बात आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि ये वाला एंगल अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये अगर वाई है तो ये भी वाई होगा। क्यों? क्योंकि ए की जगह से रेडियस दोनों की बराबर है, ए की जगह से डालेगी टेंजेंट की लेंथ बराबर, इस पॉइंट से टेंजेंट डाल रहे दोनों तरफ, और बीच वाला कॉमन होने के कारण बराबर, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होने के कारण ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये वाई है तो ये भी वाई होगा, ठीक है ना, कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं दोनों के दोनों ट्रायंगल। तो मुझे बताओ ये पूरा एंगल 135 डिग्री आ गया है, तो ये बीच वाला एंगल क्या 67.5 ही होगा, क्या आधा हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2 टाइम एक्स आया है और 2 टाइम वाई आया है, तो ये अपने पास 135 है, तो x प्लस वाई जो होगा वो क्या 67.5 ही होगा, क्या ये वाला आंसर आ गया। दो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 जो कि एक आसान क्वेश्चन है यहां पर टच कर रहा है, और एक क्वेश्चन नंबर 64, दोनों आप लोग खुद ही करना। कल की क्लास में अपनी 2 तारीख को होगी स्पेशल क्लास इवनिंग में 4 to 5, ठीक है ना, उसमें कुछ टफ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, 65 से उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है, बाकी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो भी लोग अभी पढ़ रहे हैं 6 to 7:30 तक मैं बैच चला रहा हूं आपके लिए, जिसमें सारी की सारी चीजें, जैसा मैं आपको बता रहा था ना, 3 टाइप के बैच होते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। एक बैच ये होता है जो ओनली प्री का क्लियर करवाया जाता है, ओनली प्री होता है। एक बैच ये होता है प्री पढ़ने के बाद आप लोगों को मेंस, ओनली मेंस, उसमें प्री की चीजें नहीं पढ़ाई जाती, मतलब आसान चीजें नहीं पढ़ाई जाती। और एक ये तो होता है प्री का, ये होता है मेंस का, और एक होता है स्पेशल मैथ्स का, जो बच्चे शुरुआत में आते हैं और ओनली मैथ्स पढ़ना होता है उसमें। ये जो कंप्लीट बैच है प्री प्लस मेंस दोनों, और इससे भी हाई लेवल, क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा रहता है, मेंस में तो फिर भी चीजें फास्ट करवा दी जाती हैं, इसमें थोड़ी स्लो करवाई जाती हैं, इसमें सारी चीजें धीरे धीरे आराम से जो भी टाइम होता है उसमें। तो ये प्री प्लस मेंस का बैच इवनिंग में मेरा चल रहा है दोनों का मिलाकर, ठीक है। तो इसके लिए आप एक कोड लेकिन ध्यान रखना, पवन आप लोग एक नाम याद रखना, ताकि 2 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए, 3 रुपए, 1 रुपए, 40 रुपए, 200 रुपए आपके कम हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ, 6 बजे फिर से आ रहा हूँ मैं आपको, 6 बजे फिर से आ रहा हूँ, ठीक है, ओके, बाय।